Fizika. तो चलिए जी, ये तो खैर सक्सेस की शुरुआत। ड्रामा है, पैशन है, ऐसा तो शायद बिड़ले ही विश्व में शायद ही कोई महाकाव्य मिलेगा जैसा महाभारत है। हमारे यहाँ ये दोनों जो महाकाव्य हैं, या तो रामायण या महाभारत, दोनों मैं सही मानों में कह सकता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल, और उसमें ये कैरेक्टर भीष्म पितामह का, जो मैन ऑफ स्टील, जो प्रतिज्ञा करता है तो हस्तिनापुर में जाकर, यानी सेवा का, सेवा भावना के साथ सत्ता से दूर रह के, और ये बात को मानते हुए जो आज मानना चाहिए, लोग मानते नहीं आज की राजनीति में, कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। आजकल सत्ता मेवा का माध्यम है हमारी राजनीति में, लोग सत्ता के जरिए कमाने के सोचते हैं, वहां सब कुछ गंवा कर सत्ता के जरिए सेवा करने की भावना और संकल्प लेकर, जैसे हमारे भीष्म पितामह सामने आया, देवव्रत, गंगा पुत्र, वो मैं समझता हूं अविस्मरणीय है, और सही मायनों में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तालियां, तालियां। शत्रु जी बहुत बड़े, क्या बात है, आपकी हिंदी शब्द वाक्यांशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कि ऐसे हिंदी बहुत कम मिलते हैं। एंड अरे मुझे भी तो मौका मिल रहा ना यार बोलने का। शत्रु जी अनुराग आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। बस इसी सुनने के लिए आज का शो करने आया हूं मैं, रेडियो शो छोड़ के तुरंत यहीं पे आया मैं। हमारे साथ में शिल्पा शेट्टी जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्रौपदी का कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और आज भी लोग उसको आदर्श मानते हैं हिंदुस्तानी परिवेश में। और लोग कहते हैं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, तो पहली महिला थी जिसने महाभारत में खड़े हुए उसने वाला कि मैं द्रौपदी हूं। ये चरित्र अपने आप में बहुत ही यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ और बताइए। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए महाभारत करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है, वाह, तो ये एक एडवांटेज रहा। आपकी चेष्टा सराहनीय है। हाँ बस कोशिश ही जारी है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आई थिंक उसी वजह से मैंने हाँ कहा इस भूमिका को करने के लिए, और मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि जितने भी दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान है शायद इस लैंग्वेज को अपना बनाना, लेकिन मेरे लिए इट वाज रियली अ लर्निंग कर्व। और लकीली मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मेरा बच्चा है जिसको मैं बैठ के कहानियाँ सुनाती हूँ रामायण की, महाभारत की, तो मैं चाहती थी कि मैं इस शो के जरिए उसे एक माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूं, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर। द्रौपदी का जो किरदार था बहुत ही मुश्किल, बहुत ही, जैसे आपने कहा, शी वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और वो क्या है, आई थिंक वो एक शी केम विथ समथिंग टू डू, शी केम विथ अ जॉब ऑलरेडी, तो वो पैदा नहीं हुई थी, वो अग्निपुत्री थी, तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, तो फॉर हर शी केम टू काइंड ऑफ गिव बैक टू हर फादर, और उस बदले की भावना को जो है वो कृष्ण ने देखा और उसे कन्वर्ट कर दिया टू फाइट हिज वॉर, तो एक नए युग को जन्म देने के लिए आई थॉट शी प्लेड अ वेरी वेरी पिविटल कैरेक्टर। तो हर स्ट्रेंथ वॉज समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी युग में किसी भी औरत के साथ जिस किस्म का शोषण उन्होंने सहा, मैं द्रौपदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है शी वॉज एबल टू नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट बट शी बिकेम स्ट्रोंगर, एंड शी यूज दैट पेन एंड शी यूज इट एज अ स्ट्रेंथ टू फाइट द वॉर। सो आई फेल्ट दैट उस स्ट्रेंथ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, एंड या सो आई जस्ट थिंक इट्स अ कैरेक्टर दैट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड मैंने बहुत सारे किरदार प्ले किए अपनी जिंदगी में, लेकिन बी एबल टू लेंड माय वॉइस टू अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड विद ऑल दीज अमेजिंग एक्टर्स वाज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू।